जीवन में हमें स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो इन स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, ये सूत्र भागवत जी ने लिखे हैं। भागवत जी महर्षि चरक के शिष्य थे। चरक ऋषि का नाम हम सब जानते हैं। चरक ऋषि के वो शिष्य थे और सबसे बेहतरीन शिष्यों में उनकी गिनती होती है, सबसे इंटेलिजेंट माने जाते हैं। चरक ऋषि ने जितना शोध कार्य किया भागवत जी ने उससे भी ज्यादा किया। 135 वर्ष उनकी आयु रही। 135 वर्ष में लगभग आप समझ लीजिए 18 वर्ष छोड़कर, 18 वर्ष वो ये कहते हैं कि मैं प्राथमिक अध्ययन करता रहा, तो 18 वर्ष छोड़कर बाकी सारे वर्ष उन्होंने बहुत गहन अध्ययन में लगाए। और उन्होंने कोई एक सूत्र लिखा तो उस पर कम से कम 50 से ज्यादा उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए। आज का जो विज्ञान है, जिसको हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं, ये पूरा ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। ऑब्जर्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं मैम? हाँ, निरीक्षण, निरीक्षण, परीक्षण या निरीक्षण, हाँ, प्रयोग या परीक्षण या निरीक्षण। तो अगर जैसे उन्होंने कोई सूत्र कह दिया तो उसका 50 बार परीक्षण किया, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों पर किया, और जब उन्होंने देखा कि परिणाम वही है तब सूत्र लिखा। अब हम कल्पना करें कि 7,000 सूत्र लिखे हों और एक एक सूत्र पर 50-50 परीक्षण उन्होंने किए हों, तो पूरी जिंदगी उनकी इसी में निकल गई। महर्षि भागवत बाल ब्रह्मचारी थे, अंतिम समय तक वो ब्रह्मचर्य का ही पालन करते रहे। गृहस्थ आश्रम उन्होंने नहीं जिया, लेकिन वो मानते थे कि गृहस्थ आश्रम बहुत महत्व का है। तो ऐसे महर्षि भागवत के सूत्रों को मैं पिछले 6 साल से पढ़ता रहा, और भारत की आज की जो परिस्थिति है, मैं मानता था और आज भी मानता हूं कि उसमें ये बहुत अनुकूल है। आज हमारे भारत की परिस्थिति ऐसी है, 112 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, इनमें से करीब 75 से 80 करोड़ लोग बीमार हैं। सरकार कहती है कि सिर्फ 30 करोड़ लोग हैं स्वस्थ, बाकी सब हैं बीमार। अलग अलग बीमारियां हैं, वात की बीमारियां हैं, पित्त की हैं, कफ की हैं, और इन बीमारियों का इलाज करने के लिए भारत में कुल मिलाकर 23 लाख डॉक्टर हैं रजिस्टर्ड, जो MBBS, BAMS और BHMS तीनों पद्धति के हैं। 23 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। अगर अनरजिस्टर्ड डॉक्टर भी इसमें मिला दें तो सरकार कहती है लगभग अनरजिस्टर्ड डॉक्टर भी इतने ही हैं, 25 लाख के आसपास। तो कुल मिलाकर हम 50 लाख डॉक्टर मान लें, अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड, तो भी मरीजों की संख्या 70 से 80 करोड़ है। एक डॉक्टर एक दिन में अच्छे से अच्छे काम करे तो 30 से ज्यादा मरीज नहीं देख पाता। तो मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि अगर 30 व्यक्ति एक डॉक्टर के सुपुर्द कर दिए जाएं तो 50 लाख डॉक्टर हैं, मुश्किल से 1.5 करोड़ लोगों का इलाज हो सकता है, और रोगी 75 से 80 करोड़ हैं। तो भागवत जी एक सूत्र लिखकर चले गए, वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकता है। और इस बात को उन्होंने कहा कि 85% चिकित्सा बहुत आसान है, जो कोई भी व्यक्ति स्वयं कर सकता है। 15% चिकित्सा थोड़ी मुश्किल है, जिसमें आपको विशेषज्ञ की मदद की जरूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये 85% चिकित्सा जो आसान है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। इस दृष्टि से ये व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की है। यहां पर श्रीमती प्रभा देवी जयप्रकाश जी के नाम से चलने वाला एक ट्रस्ट है, उसके मुख्य व्यक्ति मेरे साथ हैं श्री शुभकांजी दास, और उनके पुत्र हैं प्रदीप भाई, और उनके सब सहयोगी नरेंजन भाई और मेघाणी जी, इन सब ने मिलकर ये आयोजन किया। और मेरे जीवन का ये पहला व्याख्यान है जो मैं इस विषय पर दे रहा हूं। इसके पहले इस विषय पर मैंने कहीं बात ही नहीं की, क्योंकि अभी तक तो मैं अध्ययन ही करता रहा। और ये बात करने का ऐसा हो गया कि एक दिन मैं शोभाकांत जी के घर खाना खा रहा था, प्रदीप भाई के साथ बात हो गई कि क्यों ना इस विषय पर बात किया जाए, तो ऐसे ये तय हो गया अनायास। लेकिन मुझे लगा कि ये शायद सार्थक हुआ। कई लोगों ने मुझे कहा, और खासकर बाबूजी माने शोभाकांत जी ने मुझे कहा कि तुम पुराने भाषण देना बंद कर दो, वो जो पेप्सी कोका कोला वाले और विदेशी स्वदेशी वाले या WTO वाले, ये ही कहो। शायद बहुत लोग ऐसा कहते हैं, अगर ऐसा सबका मन बना तो शायद इस विषय में मैं आगे भी और ज्यादा गहराई से रिसर्च करके बात करता रहूंगा। तो अब तक हमने 3 दिन की व्याख्यान माला पूरी की है, आज 4th दिन शुरू हो रहा है। तो कल तक के जितने सूत्र थे वो एक बार मैं आपको दोहरा दूं ताकि आपको याद हो जाए।
कल का सबसे पहला महत्व का सूत्र मैंने बोला था कि आप खाना खाने के बाद पानी ना पिए, पानी हमेशा 1.5 घंटे के बाद पिए। कारण मैंने उसका बहुत विस्तार से बताया था, उसमें दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। वो पहला सूत्र था कल का। दूसरा सूत्र था कि पानी जब भी पिए तो घूट घूट भर के पिए, एक एक सिप लेकर पानी पिए, जैसे आप गर्म दूध पीते हैं या गर्म चाय या गर्म कॉफी पीते हैं, और उसका कारण भी मैंने आपको समझा दिया था। तीसरा सूत्र है कि आप जब भी पानी पिए तो ठंडा ना पिए, कभी भी ठंडा पानी ना पिए, हमेशा गुनगुना पानी, हमेशा गुनगुना पानी पिए। वैसे जैन दर्शन में इसी को पक्के पानी की कहा जाता है, इसको बात वो बिल्कुल वैज्ञानिक है, बागवत जी भी उसका समर्थन करते हैं। हमेशा गुनगुना पानी पीने की कोशिश करें। आप में से कई लोगों ने सवाल पूछे थे कि गर्मियों में भी क्या गुनगुना पानी पिए। बागवत जी की माने तो गर्मियों में भी गुनगुना पी सकते हैं, लेकिन कोई बहुत तकलीफ आए तो मिट्टी के बर्तन का पानी आप गर्मी के दिनों में 3-4 महीने पी सकते हैं। फिर चौथा सूत्र ये था कल का कि पानी कभी भी पिए तो सवेरे उठते ही सबसे पहले जरूर पिए, माने सुबह की शुरुआत पानी से करें। और उसमें मैंने बताया था कि मुंह का कुल्ला किए बिना वो उठते ही पानी आपको पीना है, क्योंकि रात को जब आप सोते हैं तो जो कुछ भी लार मुंह में बनी है ये बहुत ही कीमती है, इसका औषधीय गुण बहुत है। और जैन दर्शन में इसको अहिंसा के साथ जोड़ा हुआ है, और वो मैंने करके भी देखा है कि सुबह की लार गलती से भी आप किसी चींटी या चींटा या मक्खी पे थूक दो वो तुरंत मर जाएगा। सुबह की लार अगर आपने गलती से चींटी चींटा या मक्खी पे थूक दिया वो तुरंत मर जाता है, क्योंकि उसका औषधीय गुण बहुत प्रबल होता है सुबह सुबह। तो जैन दर्शन ने इसको अहिंसा से जोड़ा, बागवत जी ने इसको शरीर स्वास्थ्य से जोड़ा। तो ये 4 सूत्र मैंने कल आपको बताए थे, ये बहुत फंक्शनल हैं, ऑपरेटिव। इसके पहले 5 सूत्र पिछले 2 दिनों में मैंने बात की थी, आने वाले शायद एक दिन मैं सब सूत्रों को फिर से रिपीट कर दूंगा ताकि आपको भूलने ना पाए, आसानी से याद हो। अभी मैं आगे बढ़ता हूं, कल के सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सूत्र आपके सामने रख कहता हूं। बागवत जी कहते हैं बहुत गहरी बात, वो ये कहते हैं, ये साध्वी जी हैं इसलिए मुझे आज कहना बहुत उपयोगी भी लग रहा है इस सूत्र का। मैं सोचा था कि कल कहूंगा लेकिन आज कह रहा हूं। बागवत जी कहते हैं कि जब आप भोजन करें कभी भी तो भोजन का समय थोड़ा निश्चित करें, भोजन का समय निश्चित करें, ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया। हमारा ये जो शरीर है ये कभी भी कुछ भी खा लेने के लिए नहीं है। इस शरीर में जठर है, मैंने आपसे कहा उसमें अग्नि प्रदीप्त होती है। तो बागवती जी कहते हैं कि जब जठर में अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र हो उसी समय भोजन करें तो आपका खाया हुआ एक एक अन्न का हिस्सा पाचन में जाएगा और रस में बदलेगा, और रस में से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र मेद और आपकी अस्थियां इनका विकास होगा। तो कभी भी कुछ ना खाएं, ये पद्धति भारत की नहीं है, ये यूरोप की है। यूरोप में डॉक्टर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो कभी भी खाते रहो। हमारे यहां ये नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाते रहो कभी भी खाते रहो। आपको दोनों का अंतर समझाना चाहता हूं। बागवत जी कहते हैं कि खाना खाने का समय निर्धारित करें, और समय निर्धारित होगा उससे जब आपके पेट में अग्नि की प्रबलता हो, जठर अग्नि की प्रबलता हो। बागवत जी ने इस पर बहुत रिसर्च किया और वो कहते हैं कि 1.5-2 साल के रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जठर अग्नि कौन से समय सबसे ज्यादा तीव्र होती है, जठर अग्नि कौन से समय सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो वो कहते हैं कि जब सूर्य का उदय होता है, सूर्य का जब उदय होता है तो सूर्य के उदय होने से लगभग 2.5 घंटे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होती है। सूर्य के उदय होने से, सूर्य का उदय होना आप चेन्नई के हिसाब से सोच लीजिए, मान लीजिए 7 बजे, तो 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होगी। हो सकता है यही सूत्र अरुणाचल प्रदेश में मैं बात करूं तो वो 4 बजे से 6:30 का समय आ जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 4 बजे निकल आता है। अगर मैं सिक्किम में बात करूंगा तो और 15 मिनट पहले हो जाएगा, और यही बात अगर मैं गुजरात में जाकर करूंगा तो आपसे समय थोड़ा भिन्न हो जाए। तो सूर्य के साथ इसको ध्यान रखें।
तो सूर्य का उदय जैसे ही हुआ, उससे अगले 2.5 घंटे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो भागवत जी कहते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा भोजन करें, इस समय सबसे ज्यादा भोजन करें। वो तो एक जगह यहां तक कह देते हैं कि आप अगर संभव हो तो 9:30 बजे के अंदर ही लंच करें, 9:30 बजे के अंदर ही लंच करें, माने ब्रेकफास्ट गायब, नाश्ता छोड़ें, सीधे ही भोजन करें। यहां तक वो कहते हैं। वो ये कहते हैं कि सुबह 9:30 बजे तक अगर आपने भरपेट भोजन किया है तो इसमें से जो कुछ भी बनेगा वो एक एक बूंद, एक एक अन्न का टुकड़ा, एक एक दाने का टुकड़ा आपके शरीर के लिए उपयोगी होगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सुबह 7 बजे से, आपके हिसाब से मैं कह रहा हूं, 7 बजे से 9:30 जठर अग्नि बहुत तीव्र होती है। भागवत जी ने एक और रिसर्च किया था कि शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, जैसे हृदय है, हृदय, और जैसे जठर है, जठर, जैसे किडनी है, जैसे लीवर है, इनके काम करने का अलग अलग समय है। जठर अग्नि के काम करने का सबसे अच्छा समय है 7 से 9:30, सूर्योदय से 2.5 घंटे तक। फिर इसी तरह से हृदय, हृदय के काम करने का समय है सबसे ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त से 2.5 घंटे पहले। ब्रह्म मुहूर्त आप समझते हैं 4:30, तो 2:15 बजे, 1:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हार्ट सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक उसी समय में आते हैं। किसी भी डॉक्टर से पूछ के देख लीजिए, क्योंकि हृदय जब सबसे ज्यादा सक्रिय होगा तो हृदय घात भी उसी समय होगा। इसलिए 99% हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग्स में ही होते हैं, क्योंकि हृदय के काम करने का उस समय सक्रियता सबसे ज्यादा है। इसी तरह हमारा लीवर है, इसी तरह किडनी है, इसकी पूरी एक सूची मैंने बनाई है, बाहर पुस्तकों में है, इसलिए विस्तार में मैं नहीं जाता। संकेत के लिए आपसे कह रहा हूं कि हर शरीर के अंग का काम करने का एक निश्चित समय है, प्रकृति ने तय किया है उसको, भगवान ने तय किया है। तो आपका जठर अग्नि है ये सबसे अच्छा 7 से 9:30, तो आप भरपेट खाना खाइए, ठीक है। फिर आप बोलेंगे जी दोपहर को भूख लगी तो थोड़ा और खा लीजिए, लेकिन भागवत जी कहते हैं कि सुबह का खाना सबसे ज्यादा, अगर आज की भाषा में मैं कहूं तो आपका जो ब्रेकफास्ट है ना वो हैवियर से हैवियर होना चाहिए, भारी से भारी ब्रेकफास्ट। जितना खाते हैं ज्यादा भी खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह के नाश्ते में भरपेट खाइए। फिर वो कहते हैं दोपहर का भोजन अगर आप कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कम करिए नाश्ते से, दोपहर का भोजन नाश्ते से कुछ कम करिए, 1/3 कम कर दीजिए, और रात का भोजन दोपहर के भोजन का 1/3 कर दीजिए। अब सीधे से मैं कहता हूं, अगर आप सवेरे 6 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 4 ले लीजिए और शाम को 2 ले लीजिए। अगर आपको आलू का पराठा खाना है या गोभी का पराठा खाना है, आपकी जीभ स्वाद के लिए मचल रही है, तो भागवत जी कहते हैं कि सब कुछ सवेरे खाओ, आलू का पराठा भी खाओ, गोभी का पराठा भी खाओ, मूली का पराठा खाओ, जो आपको खाना है। हालांकि जैन है तो आलू का पराठा तो निषिद्ध है, मूली का भी निषिद्ध है आपके लिए। फिर अगर जो जैन नहीं है उनके लिए आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है खाने में, मैं आपको एक वाक्य में कहता हूं, जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ। रसगुल्ला पसंद है तो सुबह खाओ, रबड़ी खानी है तो पसंद है तो सुबह खाओ, जलेबी खानी है तो सुबह खाओ, इमरती खानी है तो सुबह खाओ। जो भोजन आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ, पेट भर के खाओ। वो ये कहते हैं कि इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, पेट भर के खाओ तो पेट की संतुष्टि हुई, मन की भी संतुष्टि होती है। और भागवत जी कहते हैं कि भोजन में मन की संतुष्टि पेट की संतुष्टि से ज्यादा बड़ी है। मन हमारा जो है ना, ये खास तरह की वस्तुओं से या हार्मोन से या एंजाइम से संचालित है। मन को आज की भाषा में डॉक्टर्स लोग जो गिनते हैं ना, हालांकि वो है नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो पीनियल ग्लैंड के बारे में है। ये जो पीनियल ग्लैंड है ना, इसमें से बहुत सारा रस निकलता है, जिनको हम हार्मोन्स कह सकते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं। ये संतुष्टि के लिए सबसे आवश्यक ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। तो भोजन अगर आपको तृप्त करता है, भोजन में एक तो पेट भरना है और एक तृप्त होना, तृप्त करेगा
तो पीनियल ग्लैंड आपकी सबसे ज्यादा सक्रिय है। तो जो भी रस और एंजाइम चाहिए शरीर को, नियमित रूप से समान अंतर पे निकलते रहते हैं। और जो भोजन से तृप्ति नहीं है तो गड़बड़ होती है पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड की गड़बड़ी पूरे शरीर में पसर जाती है और आपको तरह तरह के रोगों का शिकार बना दे। अगर आप तृप्त भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से 10-12 साल के बाद आपको मानसिक क्लेश होगा और रोग होंगे। मानसिक रोग बहुत खराब है, आप सिज़ोफ्रेनिया के शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, आपको कई ऐसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बागवती जी कहते हैं कि आप भोजन करते हुए अगर संतुष्ट नहीं है तो 27 तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। उनकी पूरी सूची है, वो पुस्तक में है। कभी भी भोजन करें तो पेट तो भरे ही, मन भी तृप्त हो, और मन के तृप्त और पेट के भरने का सबसे अच्छा समय सवेरे का ही है। अब मैंने ये बागवती जी के सूत्र को चारों तरफ देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मनुष्य को छोड़कर जीव जगत का हर प्राणी इस सूत्र का पालन कर रहा है, मनुष्य को छोड़कर, क्योंकि मनुष्य को मैं मूर्ख मानता हूं। हालांकि मनुष्य अपने को होशियार समझता है, लेकिन मनुष्य से ज्यादा होशियार ये जीव जगत के प्राणी है। आप चिड़िया को देखो, चिड़िया कितने भी तरह की चिड़िया, सवेरे सूरज उगते ही उसका खाना शुरू हो जाता है और भरपेट खाती है। 6 बजे के आसपास आप राजस्थान में निकल जाओ, गुजरात में निकल जाओ, सब चिड़िया अपने अपने काम पे लगी हुई है, खाना खाने में खूब जम के खाती है, और पेट भर गया उसके 4 घंटे के बाद ही पानी पीती है, दोपहर को ही पानी पीती है। गाय को देखो, सुबह उठते ही सूरज जैसे ही निकलेगा गाय का खाना शुरू हो जाएगा, भैंस का खाना शुरू हो जाएगा, बकरी बकरे भेड़ गधा घोड़ा सब सुबह उठते ही खाना खाना शुरू करेंगे और पेट भर के खाएंगे, छक के खाएंगे, फिर दोपहर को आराम करेंगे। तो ये सारे जानवर, सारे जीव जंतु, आप सांप को देखो, बिच्छू को देखो, कीड़ी को देखो, चींटी को देखो, चींटे को देखो, सब जानवर सब जीव जंतु जो हमारी आंखों से दिखते हैं, जो नहीं भी दिखते हैं, ये सबका भोजन करने का समय सवेरे सूर्योदय का ही है। सूर्योदय के साथ ही ये सब भोजन करते हैं, इसलिए ये हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। मैंने आपको कई बार ये कहा है, आप उसको हंस देते हैं, किसी भी चिड़िया को डायबिटीज नहीं होता, किसी भी बंदर को हार्ट अटैक नहीं आता। बंदर तो आपके नजदीक है ना शरीर रचना में, बस बंदर और आप में एक ही अंतर है कि उसको पूंछ है आपको नहीं है, बाकी सब कुछ एक ही है। आपका हृदय बंदर का हृदय, आपका लीवर बंदर का लीवर, आपकी किडनी बंदर की किडनी, सब कुछ समान है। मां का गर्भाशय बंदरिया का गर्भाशय, सब समान है, एक ही अंतर है, उसको पूंछ है आपको नहीं है। तो ये बंदर को कभी भी डायबिटीज नहीं, आर्थराइटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ शानबाग, वो रहते हैं कर्नाटक में, कर्नाटक में एक उडुपी नाम की जगह है, वहां रहते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ा गहरा रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर, मैंने 15-16 साल उन्होंने एक रिसर्च किया कि बंदर को बीमार बनाओ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिकों से यह सुन रखा है कि बंदर बीमार नहीं होता, और बीमार होगा तो मरेगा ही, जीवित नहीं रहेगा, तो बंदर को बीमार बनाओ। तो उन्होंने तरह तरह के वायरस और बैक्टीरिया बंदर को डालना शुरू किया, कभी इंजेक्शन के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। वो कहते हैं कि मैं 15 साल असफल रहा, बंदर को कुछ नहीं हो सकता। और मैंने कहा कि आपने ये बता दिया कि ठीक है बंदर को कुछ नहीं हो सकता, वो कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया कि उसके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दूं, बढ़ता ही नहीं। तब उन्होंने एक दिन रहस्य की बात बताई, वो आपको भी मैं बता देता हूं कि बंदर का जो ब्लड है ना, उसका RH फैक्टर दुनिया में सबसे आदर्श है, और आपका RH फैक्टर जब नापता है ना कोई डॉक्टर तो बंदर से ही कंपेयर करता है, वो बताता नहीं आपको, ये अलग बात है, कंपैरिजन बंदर से ही होता है। कारण उसका है कि उसको कोई बीमारी आ नहीं सकती, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं, ट्राइग्लिसराइड कभी बढ़ता नहीं, डायबिटीज कभी होती नहीं, शुगर कितनी भी बाहर से इंट्रोड्यूस करो उसके ब्लड में टिकती नहीं। तो वो प्रोफेसर साहब कहते हैं यार ये सब एक ही चक्कर है कि बंदर सवेरे ही सवेरे भरपेट खाता है जो आदमी नहीं खा पाता। तो वो प्रोफेसर रविंद्रनाथ शानबाग ने कुछ अपने मरीजों को कहा कि देखो भैया बंदर की तरह से खाओ, माने सुबह सुबह भरपेट खाओ।
तो उनके कई मरीज हैं जिन्होंने पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और वो मरीज बताते हैं कि जब से उन्होंने सुबह भरपेट खाना शुरू किया, किसी की डायबिटीज माने शुगर कम हो गई, किसी का कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, किसी के घुटने का दर्द कम हो गया, किसी के कमर का दर्द कम हो गया, किसी का कुछ गैस बनना बंद हो गई, पेट में जलन होना बंद हो गई, नींद अच्छी आने लगी, वगैरह वगैरह सारे इम्प्रूवमेंट वो बोलते हैं होते हैं।